हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी मैं फिर से बिहार के दरभंगा सिटी में आ चुका हूं। तभी मैं जो हूं दरभंगा सिटी में लाल बाग पानी टंकी के पास हूं, और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा एक दुकान है जो कि भैया बिना बर्फ़ की लस्सी बनाते हैं। तो चलिए भैया से बात करते हैं, अब अभी से लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। चलिए भैया, नाम बोलिएगा। राजेश कुमार। आप यहाँ पे कब से लस्सी बेच रहे हैं भैया? लस्सी तो लगभग 13 साल से बेच रहे हैं। 13 साल से बेच रहे हैं लस्सी, सेम जगह पे या फिर दुकान चेंज भी किया? सेम जगह, मेरा अपना काउंटर। आपका अपना काउंटर है, मतलब रेंट पे नहीं लिया? नहीं, रेंट पे नहीं, मेरा अपना। आपका घर भी दरभंगा ही? हाँ, दरभंगा ही। लस्सी का टाइमिंग कब से रहता है भैया? लगभग 6 बजे मेरी दुकान खुलती है, चूँकि वो सुधा का पार्लर भी है। तो लगभग 9 बजे के आसपास तैयार हो जाता है। अच्छा, तो आपका सुधा का पार्लर कहाँ पे है? यहीं पे, इसी में चलता है। कोर्ट भी है? हाँ, कोर्ट भी है हमारे पास। तो टाइमिंग क्या बता रहे थे? दुकान तो लगभग 6 बजे खुलता है। 6 बजे से कितना बजे? लगभग 10 बजे तक। 6 बजे से 10 बजे तक। तो 6 से 10 जो आप बेचते हैं, तो कस्टमर 6 से 10 तक सेम ही, मतलब कब ज़्यादा कस्टमर आता होगा? एक टाइम होता है दोपहर में और एक शाम में। तो दोपहर का क्या टाइमिंग रहता है? दोपहर में वही समझिए ना, 1 बजे से लगभग 3-4 बजे तक। 1 बजे से 3-4? हाँ, और शाम में? उसके बाद शाम में फिर 6 बजे के 7 बजे के आसपास से लेकर के 9-10 बजे तक रहता है। 10 बजे तक कस्टमर आता है। तो मतलब कस्टमर का क्या मतलब अनुभव रहता है जब आपके पास लस्सी पीते हैं? कभी ऐसा भी बोले हैं कि लस्सी अच्छा ना लगा हो, या फिर ऐसा कुछ अभी तक इतने 13 सालों में? ऐसा तो रेयर केस, कभी कभी ऐसा कोई मिल जाता है। रेयर केस, ऐसे नॉर्मली सबको पसंद? नॉर्मली सबको बिल्कुल पसंद आएगा, एकदम 100%। अच्छा, तो जब आप ये दुकान चालू किए थे तब भी आपका अपना ही था कि तब रेंट पे था? तभी मेरा अपना ही दुकान था। अच्छा, आपका अपना ही दुकान था। तो आपका कैसा कस्टमर था, एक्सपीरियंस रहता है, मतलब बेचते हैं तो मतलब कैसा फीलिंग एक दुकान लस्सी बेचने का? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और क्या खासियत है आपके लस्सी का दरभंगा में? मेरे लस्सी में आइस नहीं रहता है। मेरा दरभंगा में आइसलेस लस्सी सिर्फ हम ही बेचते हैं, पूरा दरभंगा में आइसलेस लस्सी। तो देखिए दोस्त, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि भैया ने बताया कि यहाँ पे पूरे दरभंगा में अगर आइसलेस लस्सी पीना है तो सिर्फ भैया ही बनाते हैं, और जहाँ पे भी लस्सी बनता है सब में आइस डाला जाता है। भैया एक गिलास लस्सी बनाइएगा अभी। इसमें अभी ये क्या डालें भैया? इसमें अभी केवल दही है, वो दही का केवल दही है, दही का जो लिक्विड होता है। ये दही आप खरीदते हैं कि आपका खुद का बनता है? आपका खुद का बनता है? का बनता है। ओ, मार्केट से खरीद के लाएंगे तो ना ही फ्लेवर मिलेगा। हाँ हाँ, और ना ही कॉस्टिंग मायने आएगा। अच्छा, अभी ये क्या डाल रहे हैं? ये दूध का जला हुआ खोआ होता है ना, दूध का खोआ। खोआ, हाँ, ये भी खुद से बनाते होंगे? खुद से बनाते हैं। ओके, और अभी ये क्या निकालें? ये दूध का छाली होता है ना, छाली। हाँ सुनिए ना, दूध का जो छाली होता है, तो जिस समय दूध में छाली पड़ता है उस समय हम लोग नहीं निकालते हैं, दही बनने के बाद उसको निकालते हैं। ठीक, दही बनने के बाद? हाँ, तो ये दही का मलाई हुआ। दही का मलाई जी। तो दोस्त ये अभी भैया इसमें दही, ये दही है ना खोवा और दही का मलाई। तो दोस्त भैया अभी इसमें दही डाले हैं, मलाई डाले हैं, दही का मलाई और खोवा डाले हैं। अरे तो ड्राई फ्रूट रखा, ये क्या हो गया रेड कलर का? ये चेरी है। चेरी, और ये तो खरीदते होंगे? हाँ, चेरी खरीदते हैं। चेरी खरीद, इसमें ड्राई फ्रूट जो है, हाँ, वो सिर्फ मार्केट से खरीदते हैं, बाकी हाँ, ड्राई फ्रूट और दूध मार्केट से खरीदते हैं, बाकी हाँ, जो कुछ है वो हैंड मेकिंग है, मेरा अपना बनाया। अच्छा, और ये रेड रेड कलर का ये क्या था? रूह अफ़ज़ा। ये भी खरीदना? ये भी खरीदना होगा। ये हम तो, आप कितने प्रकार की लस्सी बनाते हैं? हम एक सुपर लस्सी बनाते हैं और एक स्पेशल लस्सी बनाते हैं। सुपर लस्सी और स्पेशल लस्सी का अंतर? अंतर ये, उसमें मेवा का मात्रा ज़्यादा होता है सुपर लस्सी में, वो 90 रुपीज का होता है, 90 रुपये का, और ये मेरा स्पेशल लस्सी है, ये 50 रुपये का। 50 रुपये का, तो ये अंतर रहता है। तो मतलब कस्टमर ज़्यादा क्या प्रीफर करते हैं? ज़्यादा तो प्रीफर स्पेशल लस्सी पे करते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग इसका 50 है और उसका 90 है, सीधा दोगुना पड़ता है। तो कोई कोई ऐसा कस्टमर आते हैं वो सुपर लस्सी पीते हैं। तो सुपर लस्सी का मतलब ग्लास भी बड़ा रहता है? नहीं, ग्लास लगभग सेम ही, लिक्विड सेम आता है उसका, मेवा ग्लास थोड़ा बड़ा होता है लेकिन लिक्विड सेम रहता है, उसमें मेवा का मात्रा बहुत होता है, मेवा का मात्रा उसमें, और ड्राई फ्रूट का मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दोस्त भैया दो तरह का लस्सी बनाते हैं, हम आपको एक सुपर लस्सी बनाकर दिखाते हैं। अच्छा, बनाइए सुपर लस्सी। भैया अभी सुपर लस्सी बना रहे हैं, देखिएगा। हम्म,
दोस्त भैया अभी सुपर लस्सी बना रहे हैं, देखिए। ये वही दही की मिलाए। हाँ, ये दही का सबसे टेस्टी सामान होता है। सबसे टेस्टी ये तो हमको लगता है कितने लोगों के साथ पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो दूध में ही छाली निकाल लेते हैं क्रीम। हाँ, जो बहुत मत जो प्रोफेशनल होंगे काम करते होंगे उन्हीं को पता होगा। बहुत सारे लस्सी वाले निकालते हैं, सारे लस्सी वाले यही देते हैं मलाई। हाँ, तो लस्सी वालों को ऐसे नॉर्मल लोगों को शायद नहीं पता होगा, जहाँ तक हमको लगता है। हाँ, नॉर्मल लोगों को पता नहीं, ताकि वो तो दूध में ही निकाल लेते हैं, तब इसमें बचता ही नहीं है। तो दोस्त ये लगभग सुपर लस्सी तैयार है। भैया आपको देख रहे हैं, हाथ में क्या हो गया? अरे हाथ में चोट लग गया था, वो छोटा सा उंगली, कुंगलियाँ उंगली में फ्रैक्चर हो गया। छोटा सा, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा? नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा, काम करना काम कर सकते हैं उसके साथ। हाँ, काम तो कर ही रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे आप वर्कर भी रखते हैं कि अकेले ही? हाँ, वर्कर है, दो स्टाफ है। दो स्टाफ है फिलहाल, वो नहीं है छुट्टी पे? नहीं, वो गिलास विलास धो रहा होगा या फिर पीछे होगा। ओ, तो वर्कर उधर है। तो मतलब जब स्टार्ट किए थे तब भी आप वर्कर रखे थे कि बस अभी ही रखे? स्टार्ट किए थे ना, तो उस समय वर्कर नहीं था हमारे पास। वर्कर नहीं था मतलब नहीं रखे थे कि था नहीं? था नहीं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभव हुआ वैसे वैसे स्टाफ आए, धीरे धीरे बिजनेस भी बढ़ा होगा। आप जब कभी भी बिहार के दरभंगा सिटी में आए तो लालबाग पानी टंकी के पास भैया का दुकान है, बिना बर्फ़ की लस्सी बेचते हैं भैया, तो ज़रूर पिए और आप एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो है सो मतलब भैया के दुकान पे और लोग आएँ और लस्सी पिए। तो दोस्त एक और कस्टमर है यहाँ पे, तो चलिए उनसे एक्सपीरियंस और लोगों के साथ शेयर करते हैं। अंकल नाम बताइएगा। जी, रफत जमाल नाम है मेरा। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं कि पहले? नहीं, मैं तो डेली आता हूँ। डेली? डेली। कितने साल से आ रहे हैं? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, जब आता हूँ यहाँ मैं आता हूँ, डेली आता हूँ। मतलब कि अंकल दिल्ली में रहते हैं, जब कभी भी दरभंगा आते हैं तो अंकल इनके दुकान पे डेफिनेटली जरूर आते हैं लस्सी पीने। जी जी, लस्सी पीने बहुत अच्छा लगता है इनका, बहुत अच्छा लगता है इनका लस्सी। तो जो लस्सी बेचते हैं भैया, तो उसका जो प्राइस है मतलब जो दाम है वो आपको सही लगता है? बहुत रीजनेबल है, रीजनेबल प्राइस रेट है। मतलब आपको ये नहीं लगता कि लस्सी का रेट कम या ज़्यादा होना चाहिए? एकदम रीजनेबल रेट है, रीजनेबल रेट है। और दरभंगा में आपको यहाँ का लस्सी सबसे बेस्ट? सबसे बेस्ट मैं लहरिया सराय में रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ पीने के लिए। तो दोस्त लहरिया सराय से ये कम दूर नहीं है, मतलब न कुछ तो 2-3 किलोमीटर होगा अंकल? 4 किलोमीटर आराम से होगा। फिर भी अंकल लहरिया सराय से यहाँ पे, जो कि रास्ता में कितना ट्रैफिक रहता होगा, फिर भी अंकल यहाँ पे आते हैं लस्सी पीने के लिए, और खासकर ये भैया से लस्सी पीने के लिए आते हैं अंकल। इतना दूर आना, पैसा देना आपको मतलब सही? नहीं नहीं, एकदम सही लगता है, जो जिस तरह का लस्सी देते हैं उसलिए पैसे कोई मायने नहीं रखता, बहुत अच्छा लस्सी है। तो जो लस्सी भैया देते हैं वो लस्सी पैसा के सामने में कोई मायने नहीं रखता। तो चलिए आप इन कस्टमर का भी एक्सपीरियंस देखे हैं, तो जब कभी भी दरभंगा सिटी में आए तो भैया का लस्सी एक बार ज़रूर ट्राई करें, और मेरा दावा है एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा, बार बार यहाँ पर आइएगा। तो दोस्त, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव।